हे गाइस, अगर आपको सुबह सुबह स्कूल जाने का मन ना हो ना, तो आपको एक एक्टिंग करनी पड़ेगी। मम्मी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मम्मी। दोस्त, अभी हम लोग ना मम्मी की रिपोर्ट्स देख रहे हैं और मम्मी की रिपोर्ट्स में लिखा है कि मम्मी की जो राइट वाली किडनी है ना। तेरी मम्मी हंस क्यों रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अब मैं सोच रही हूँ किडनी खराब होगी तो तब क्या होगा, निकालनी पड़ेगी। लेकिन मम्मी बोल रही है कि मैंने डराया नहीं, डॉक्टर ना ऐसे बोल रहा था इसीलिए मम्मी ने सुना है। Hey guys, आज मेरी नानी आने वाली है गांव से दिल्ली। मैं ना बहुत ज्यादा खुश हूँ। हम लोग ना जल्दी जल्दी से खाना बना देते हैं। देवांशी, जब नानी आएगी ना, नानी को प्रणाम बोलना। मेरी प्यारी बच्ची। दोस्तों, आज ना मेरी मम्मी पहली बार हमारे दिल्ली वाले घर में आ रही है। मैं ना बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन दुख इस बात का है कि उनकी तबीयत ना खराब हो रखी है, इसी वजह से वो ना दिल्ली आ रही है। उनको टाइफाइड हो रखा है काफी टाइम से। उनको हमने एक हफ्ते के लिए ना हॉस्पिटल में एडमिट भी किया था, लेकिन वहाँ पे काफी सारे टेस्ट हुए, तो उन जो टेस्ट हुए थे ना उनका रिजल्ट बिल्कुल भी सही नहीं आया था। उनमें ना काफी ज्यादा दिक्कतें आई थी, तो वहाँ के डॉक्टरों ने बोला कि इनको ना बाहर दिखाओ। तो आप लोग भी ना मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना करना कि मेरी मम्मी ना जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और मुझे ना बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या होगा। बाकी आप लोग ना जो भी प्रार्थनाएं करोगे उससे मेरी मम्मी ना जल्दी ठीक हो जाएगी। मेरा भाई और मेरी मम्मी ना दिल्ली पहुंचने वाले हैं, तो मैं फटाफट से ना उनके लिए खाना रेडी कर देती हूँ। लाइट चली गई है दोस्तों, और अभी हम बना रहे हैं सोयाबीन की दाल जिसमें बहुत प्रोटीन होता है। हम लोग ना सासू माँ जी के लिए बिल्कुल नए चावल बनाएंगे, बासमती चावल। यह है दावते रोजाना। यह है दावत है रोजाना। अच्छे लग रहे हैं ना? देखे पैर छो। अरे यार दोस्तों, ये हमारा स्मार्ट मामा है। और तबीयत कैसी है अभी, कैसा लग रहा है? ठीक है, अच्छा पी लिया। आ जाओ, उसको ना देने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही पी लेता पानी। अच्छा, आ जाओ इधर। खुश हो गया रुद्दू। गिरा ना माथा नीचे, एक बूंद गिरनी चाहिए, मैंने सफाई करी। मेरे दोस्तों, अभी हम बना रहे हैं पहाड़ी हरा नमक, जिसके लिए चाहिए ढेर सारा नमक, हरी मिर्ची, लहसुन, जीरा और थोड़ी सी हल्दी और हरा धनिया। अगर आपके पास पुदीना है तो पुदीना भी डाल सकते हो। और इसको अच्छे से सिलबट्टे में पीसना है जब तक ये पाउडर ना बन जाए। और हो गया आपका हरा नमक तैयार। इसको आप छाछ में मिला करके पी सकते हो, सलाद में डाल सकते हो, ककड़ी के साथ खा सकते हो। और हम बनाएंगे पहाड़ी रायता, जो कि मेरा फेवरेट है। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। देवांशी ने दीवार पे क्या बनाया देखो, यूनिवर्स बना रखा ना, यूनिवर्स बना रखा ना। हाँ। वो मेरा मामा है। मेहमान। अरे घर में मेहमान ऊपर बैठे, मेरे मामा है। मैंने सासू माँ को बोला कि ऊपर बैठ के खाओ,
तो वो कह रहे हैं कि मुझे नीचे ही बैठना है, जिद पकड़ी है। आप उसे ऊपर आ जाओ, मजाक नहीं कर रहा मैं। वो ऊपर बैठ के नहीं खा रहे। नींबू नहीं, मेरी सासू माँ की स्माइल बता रही है कि जल्दी ठीक हो जाएंगे। दे दे। जाओ देवांशी के साथ जाओ। वो कैप्टन कम। हम लोग ना एक गद्दा लेकर के आए हैं कि रजाई। गद्दा आपके जैसे कंफ्यूज नहीं है। स्टे 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 कैप्टन गो। हम लोग ना नई रजाई लेकर के आ गए हैं। गद्दा है वो। क्या गद्दा है? गद्दा रजाई नहीं है। अच्छा, इस वाले गद्दे को इसमें बिछा देते हैं, उसको नीचे बिछा देंगे। ऊंचाइयों को छुएगा। मेरी सासू माँ सोएगी इसमें। ये क्या है? देवांशी को बहुत चाय पसंद है। ये वाला क्यों नहीं करा? क्यों नहीं करा? बोल ना। रुद्रांश आवाज गुल है ना। नानी देख रही है कि रुद्र पढ़ाई कैसे करता है। देखो नानी के फोन ही खत्म नहीं हो रहे। हाँ यार, नानी जब से आई है ना, फोन फोन फोन। ओ माय गॉड, रुद्र को स्माइल मिला है पता है? ये तो बढ़िया है, लेकिन मुझे बड़ी स्माइल चाहिए। मुझे तो आज ना हमें पता चलिया कि हमारे घर में ना एक MBBS डॉक्टर रहते हैं। कौन है? मेरे पति देव। कैसे? वो बोल रहे हैं कि मुझे सारी रिपोर्ट दिखाओ मम्मी की। कमर तेरी दोस्त। अभी हम लोग ना मम्मी की रिपोर्ट्स देख रहे हैं और मम्मी की रिपोर्ट्स में लिखा है कि मम्मी की जो राइट वाली किडनी है ना, इसमें 11 mm की एक पथरी है और इसमें और एक लिखा है इसमें जो मम्मी का यूट्रस है ना राइट साइड का, उसमें 9 mm की पथरी है। तो मतलब मम्मी के पेट में ना दो दो पथरियां हैं। और मम्मी ने ना मुझे डरा भी दिया था कि मम्मी की ना एक किडनी खराब भी हो रखी है और खुद हंस रही थी, मैं डर गई थी। आपको क्या बोला था डॉक्टर ने? बोलो ना, डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने कहा कि लगभग ये किडनी खराब हो चुकी है। एक किडनी? हाँ। ऐसा बोला? और लेकिन ये कंफर्म नहीं है ना, ऐसा रिपोर्ट में कहीं पर तो दिख नहीं रहा है। किसी और को तो नहीं कहा? मेरी सासू माँ को हंसी भी आ रही है। मेरी सासू माँ बोल रही है कि मेरी किडनी बिल्कुल सही है ना। डॉक्टर कंफ्यूज है शायद। ऐसे कैसे बोल दिया उसने? पथरी होगी तो कोई बात नहीं, निकल जाएगी। अब मैं सोच रही हूँ किडनी खराब होगी तो तब क्या होगा, निकालनी पड़ेगी। अरे नहीं, सब कुछ सही होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और आप इतना मतलब इतना खुश हो तो जल्दी सही हो जाएगा है ना, ऐसे होना चाहिए।
लेकिन मम्मी बोल रही है कि उन्होंने सुना था वैसे। डराया नहीं, मेरे साथ में हुआ था। लेकिन मम्मी बोल रही है कि मैंने डराया नहीं, डॉक्टर ना ऐसे बोल रहा था इसीलिए मम्मी ने सुना है। तो अब तो कल ही पता चलेगा, जब कल मम्मी का चेकअप दोबारा से होगा ना तभी पता चलेगा कि असलियत क्या है। तेरी मम्मी हंस क्यों रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो मेरी मम्मी ना उस दिन से ज्यादा बीमार हो गई, जिस दिन से मेरी मम्मी ने ये सुना है कि एक किडनी खराब हो रही है। लेकिन लेकिन ऐसा गलत सुना है ना। लेकिन पता नहीं मम्मी ने कैसे सुना या डॉक्टर ने कैसे बोला, भगवान जाने। मेरी सासू माँ बोल रही कि पतरी तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी ना ऑपरेशन से। हाँ। लेकिन किडनी क्यों बोला डॉक्टर ने, किडनी शब्द बोला ही क्यों? तो इसी वजह से वो उनको मतलब डर लग गया था। और अभी हम लोग भी कंफ्यूज है क्योंकि रिपोर्ट्स में ना अभी ज्यादा हमको पता नहीं है, कहीं पर लिखा नहीं है ऐसा। लेकिन सब ठीक हो जाएगा और हम लोग मतलब इतना मतलब थोड़ा बहुत हंस भी जा रहे हैं क्योंकि सासू माँ हंसा रही है मुझे। अब क्या कर सकते हैं? नानी आपको क्या हो गया? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। आप जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है। दोस्तों अभी ना रात भी हो चुकी है, अभी हम ना मेरे पापा ना हमारे लिए खाना मंगाएंगे और हम ना खाना को खाएंगे फिर सो जाएंगे क्योंकि कल मेरी स्कूल भी है ना। जल्दी भी उठना है। नानी आपके लिए क्या बनाना है ब्रेकफास्ट में? जो आप खाओगे। गाइस मैं खाऊंगा दाल भात। नानी आप भी दाल भात खाओगे ना? हाँ दाल भात खाऊंगा। दोबारा से दूसरे हॉस्पिटल में सारी रिपोर्ट्स को दिखाएंगे। हाँ दिखाएंगे और दोबारा से सारे टेस्ट होंगे है ना। अच्छा प्रॉब्लम पता चलेगी तभी तो उसका सॉल्यूशन होगा ना। बिल्कुल और सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी ना रिपोर्ट्स भी खराब हो जाती है, मतलब गलत आ जाती है ना कभी कभी। ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो भी डॉक्टर्स ना बहुत ध्यान से करते हैं, लेकिन हमको अभी ज्यादा नॉलेज नहीं है ना। अगर हम सब समझते तो हम ही डॉक्टर नहीं बन जाते। आप डॉक्टर हो तो MBBS किया आपने, रिपोर्ट से देख रहे हो, बोल रहे हैं कि यूट्रस को किडनी बोलते। So, ये सिटी स्कैन है ना? दोस्तों ये ना मम्मी की सिटी स्कैन रिपोर्ट है और मेरे भाई ने बताया कि मम्मी की किडनी में ना एक पानी का बैग भी बना हुआ है। तो जब मम्मी के दूसरे हॉस्पिटल में टेस्ट होंगे तब पता चलेगा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और क्या है, कैसा है, मतलब सब चीज ये कंफर्म है कि नहीं ना। तो आपको बताते रहेंगे आगे कि क्या क्या हो रहा है। आप लोग प्रार्थना करना कि सब ठीक हो जाए। सो मेरी सासू माँ बड़ी हंसमुख है तो ऐसी जल्दी सही हो जाएगी है ना। देवांशी देवांशी ऐसे मत करो, सो जाओ तब सुबह स्कूल जाने के लिए पेट दर्द होता है। ये मैंने करी है। कैप्टन को ना जमीन में सोने का मन करता है और जब भी उसकी इच्छा होती है ना तो वो इस चेयर पे आ जाता है और यहाँ पर भी आ जाता है। ये बहुत ही अच्छी किताब है HTML5 की। अगर आप HTML5 कर रहे हो ना, वेबसाइट बनाना सीख रहे हो तो जरूर लेना, बहुत ही अच्छी है। और ऐसी ही CSS की भी है, JavaScript की भी ऐसी है, बिल्कुल बढ़िया है। और jQuery की भी है। तो मुझे तो जमीन में बहुत अच्छी नींद आती है, चाहे कुछ भी बोलो। हे गाइस अगर आपको सुबह सुबह स्कूल नहीं जाना है ना तो आपको एक एक्टिंग करनी पड़ेगी। मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे को स्कूल नहीं जाना, तब मम्मी आपको स्कूल नहीं भेजेगी। ऐसी एक्टिंग ना हमने बचपन में बहुत ज्यादा की है बेटा, तो ये ना एक्टिंग हमारे साथ नहीं चलेगी। चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि आप स्कूल भेजते हो मुझे। गलत बात है, ऐसे नहीं बोलते, ठीक है? स्कूल जाते हैं सुबह सुबह। गुड बॉय। छुट्टी तो आप अगले साल पड़ेगी। दोस्तों आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कर दो रे, शेयर कर दो रे, सब्सक्राइब कर दो रे, सो जाओ रे। सो जाओ।